बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैं हूँ ऐश्वर्या। आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारी लेडीज़ को प्रेगनेंसी के सिम्टम्स कंसेप्शन होने के एक वीक बाद या फिर दो वीक बाद से दिखने शुरू हो जाते हैं। वहीं बहुत सारे जो महिलाएं हैं, अगर वो नोटिस नहीं करती हैं या नोटिसेबल नहीं है या उनको लक्षण नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है कि पाँचवें वीक में उनको कंसेप्शन के बाद पता चले कि उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है या नहीं, या हो चुकी है, या सिम्टम्स दिख रहे हैं नहीं। तो अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो कि सबसे पहले दिखते हैं? तो बॉडी में वीकनेस ज़्यादा लगना, थकान जैसा ज़्यादा महसूस होना। अब आप बोलोगे कि थकान ही एक क्या प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है? जी हाँ, थकान आपको ऑब्वियस आएगी ही आएगी। अगर कई महिलाएं जो हैं बहुत अपने बॉडी के, उनका डाइट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से खाती पीती हैं, मतलब तंदुरुस्त हैं, लेकिन फिर भी उन महिलाओं को हल्की फुल्की थकान आएगी ही आएगी। चाहे वो कितनी भी तंदुरुस्त हो, वो एक ऐसा पल होगा कि हो सकता है कि वो काम कर रही हों और थक के बैठ जाएंगी, तो थकान महिला को आती ही आती हैं। दूसरा हो सकता है कि सिर में माइल्ड सा, बिल्कुल हल्का सा हेडेक हो, हेडेक जैसा फील हो। तो सिर दर्द भी शुरुआती दिनों में होना, ये हार्मोन्स के कारण होता है, हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने के कारण। दूसरा स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है, और तीसरा आप काफ़ी, अगर आपका हेक्टिक शेड्यूल रहा हो प्रेगनेंसी में, तब भी आपको हल्का सा सिर दर्द महसूस हो सकता है। पेट में हल्का हल्का सा पेन होना, ये ब्लॉटिंग का भी एक लक्षण है। पेट कड़क हो जाता है, ब्लॉटिंग हो जाती है, तो पेट में हल्का हल्का सा पेन आना शुरू हो जाता है। कई महिलाओं के हाथ और पैर में झनझनाहट शुरू हो जाती है, मतलब कि अगर आप बैठे हो और आपको अचानक से हाथ पैर में झनझनाहट शुरू हो गई, हाथ पैर अजीब से आपको झनझनाने लगे हैं, तो ये भी एक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में आता है। पैरों में हल्की हल्की सी पेन होना, घुटनों में दर्द शुरू हो जाना या फिर मसल्स में पेन होना, कमर में दर्द हल्का हल्का सा होने लगना, ब्लॉटिंग जब होती है तो महिलाओं के पेट में हल्की सी दर्द होती है जो कि एक नॉर्मल सा सिम्टम्स है, कमर में भी हल्का सा पेन महसूस होना, प्राइवेट एरिया में हल्का सा चुभन जैसा महसूस होना, ये पहले कुछ हफ्ते से दिखने शुरू हो सकते हैं। उसके बाद कुछ मेजर सिम्टम्स में आपके ब्रेस्ट में हल्का सा सेंसिटिवनेस आ जाएगा, या फिर ब्रेस्ट में आपको भारीपन महसूस होगा, स्तनों में कड़क महसूस होना शुरू हो जाएगा, हल्का हल्का दर्द महसूस होना शुरू होगा। तो ये स्तनों में एक जो सिम्टम्स होता है, आपको शुरुआती दिनों से तो दिखते ही, और धीरे धीरे ये सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं, मतलब कि पहले हल्के से होते हैं, फिर धीरे धीरे आपको ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएंगे। नाखून का टूटना हुआ कैल्शियम की कमी के कारण, या फिर आपके हाथ पैर काफ़ी ड्राई हो जाना, हाथ पैर सूखे हो जाना, खासकर ठंड के सीज़न में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। गर्मियों में तो उतना पता नहीं चलता है ड्राइनेस का, क्योंकि पसीने निकलते रहते हैं, लेकिन सर्दियों के सीज़न में काफ़ी ड्राई पड़ जाना, इसकी वजह से पेट में खुजली होना, स्तनों में खुजली होना, आपके पैरों में खुजली होना, हाथों में खुजली होना, ये एक अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में दिख सकता है। उबकाई, अब सर्दियों के सीज़न में अगर शुरू हो रहा है आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स, तो उबकाई कम मात्रा में आ सकती है, गर्मियों में ज़्यादा आती है, तो उबकाई आना ये भी शुरू के दिनों में काफ़ी ज़्यादा दिखता है, हल्के तौर पर दिखेगा लेकिन दिखेगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कुछ क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो मुझे इंस्टाग्राम या कमेंट बॉक्स में पूछें।